जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज भाद्र पक्ष की मासिक शिवरात्रि और आज के दिन जो भी भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा से यदि जल भी चढ़ाता है, जल भी समर्पित करता है, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं, विधि विधान से भी कर सकते हैं, और जैसे जो व्रत करता है उसका तो समझ लीजिए बेड़ा पार ही हो जाता है। शिवरात्रि का व्रत बहुत ही सुंदर व्रत है और हर माह शिवरात्रि आती है। कई लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं, यह अति श्रेष्ठ होता है शिवरात्रि पर। लेकिन आप यदि नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा धन की कमी है, पैसे की तंगी से आप परेशान हैं, यदि ऐसी समस्या है कि आप कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, आपको पैसा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ, एकदम अचूक ब्रह्मास्त्र, बहुत छोटा सा उपाय है और सभी व्यक्ति कर ही सकते हैं। आपको करना ये है कि रुद्राक्ष, भोलेनाथ की सबसे ज़्यादा प्रिय चीज, तीन मुखी रुद्राक्ष यदि आपको प्राप्त हो जाए कहीं से, तो तीन मुखी रुद्राक्ष ले लें और पीला चंदन इतनी मात्रा में घोल लें कि अच्छा पूरा आपको रुद्राक्ष पीले चंदन से पूरा लपेटना है, आपको रुद्राक्ष नहीं दिखाई दे, इतना पीला चंदन लगाना है। आप पहले से चंदन घिसकर और एक कटोरी में रख लें और भले ही शिवालय में जाकर आप वहाँ जाकर रुद्राक्ष पर पूरी तरीके से पीले चंदन को लपेट दें, इस तरीके से लपेट दें कि रुद्राक्ष बिल्कुल नहीं दिखाई दे। उसके बाद आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस रुद्राक्ष को रखकर और जल से, जल में यदि थोड़ा गंगा जल आपके घर में हो तो आप डाल सकते हैं, यह अति श्रेष्ठ होता है और ये कार्य आप कभी भी कर सकते हैं, दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन यदि शाम के समय ये कार्य करते हैं, प्रदोष काल में ये कार्य करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में जो पूजन का महत्व होता है ज़्यादातर रात्रि में ही होता है, शाम के समय, शाम के बाद ही होता है। लेकिन हाँ, यदि ऐसी कोई परेशानी है कि आप शाम के समय नहीं कर सकते हैं, तो ये दिन में भी किया जा सकता है। आप रुद्राक्ष शिवलिंग पर रखें जो आपने चंदन से लपेटा हुआ तीन मुखी रुद्राक्ष, उसके बाद अभिषेक लगातार जल से आपको उस रुद्राक्ष पे इस तरीके से धार देना है, जल की बिल्कुल धार बनाकर करना है कि पूरा जो चंदन है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर फैल जाए, पूरा रुद्राक्ष पे से उतरकर और अपने आप भगवान शिव पर लग जाए, भोलेनाथ पर लग जाए। ये जरूरी नहीं है, अब जैसे आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हमारा तो एक ही तरफ चंदन बह गया, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से भी चंदन रुद्राक्ष पर से उतरकर भोलेनाथ पर लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करना आपको इस तरीके से है कि उस चंदन को जल से ही आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर उतर जाए। कई बार ऐसा होता है, वैसे आप यदि इस तरीके से बीचों बीच चंदन लगा हुआ रुद्राक्ष रखकर अभिषेक करते हैं, जल समर्पित करते हैं, उद्धार बनाकर जब जल समर्पित करते हैं, वह चंदन जो होता है भोलेनाथ के शिवलिंग पर चारों तरफ अपने आप फैल जाता है। बहुत ही सुंदर भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और आप अपने मन की कामना करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है। यदि मंत्र नहीं कर सकते हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम या कोई भी भगवान भोलेनाथ का भजन, जो भी आपके मन में या अपने मन की इच्छा अपने मन में ही करते रहें, बोलते रहें, और पूरी तरीके से आप जल का कलश भी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे या जल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। उसके बाद जो जलारी पे से जल नीचे उतर के जाए, जब पूरा जल समाप्त हो जाए, जल को आँखों में लगाएं, आँखों में पलकों पर लगाएं और उसके बाद रुद्राक्ष उठाएं, भगवान भोलेनाथ से विनती करें और घर आ जाएं। बस इतना करना है। आप देखना, आपके जीवन का में एकदम परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, आपकी कोई मदद कर रहा है, भोलेनाथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्योंकि शिवरात्रि का दिन वैसे ही अति पवित्र दिन होता है, श्रेष्ठ दिन होता है, भोलेनाथ और माँ पार्वती का दिन। और इस दिन यदि यह उपाय, चंदन भी भोलेनाथ को अति प्रिय होता है और रुद्राक्ष तो भगवान सभी जानते ही हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। और इस प्रकार से जब अब रुद्राक्ष पर चंदन उतरकर भोलेनाथ पर लगता है, शिवलिंग पर लगता है, अभिषेक होता है, आपने सिर्फ जल चढ़ाया है लेकिन अभिषेक पूरा हो रहा है और भगवान भोलेनाथ की
जो कृपा आप पर होती है वो कोई भी इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता कि कहाँ से कृपा हो रही है। और जब आप अपने कोई कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे, आपको लगेगा वो आपके समक्ष ही हैं। आप ये कार्य हर शिवरात्रि को भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक शिवरात्रि को तो करके देखें, आपको दूसरी शिवरात्रि आने तक आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लगने लगेगा कि कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई अनजानी शक्ति, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही होती है, दिखाई नहीं देती। साथ ही आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बिलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प जो भी समर्पित कर सकते हैं अवश्य करें। और एक और जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये भी बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, जो करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि में, आप 9 से 12 बजे के बीच में, बल्कि जितनी रात्रि में 12 बजे तक यदि कोई शिवालय आपके पास का शिवालय खुला होता हो, या आप कर सकते हैं तो, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, कमेंट्स में कई लोग बोलते हैं कि इतनी रात्रि में हमें मंदिर खुला नहीं मिलेगा। ये बात मैं भी समझती हूँ कि मंदिर इतनी रात्रि तक नहीं खुला होता है, तो इसलिए मैंने 9 से 12 तक का बोला है कि 9 से 12 में आप एक शुद्ध घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष, अपनी मन की कामना करते हुए, यदि शिवरात्रि में जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, शिवालय में दीपक लगाता है, उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है, सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं, आप दिन भर में कभी भी, रात्रि तक कभी भी, क्योंकि शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है कि भोलेनाथ की पूजन पूरे दिन की जा सकती है, पूरे दिन जल समर्पित किया जा सकता है। भोलेनाथ के दर्शन करने की तो किसी भी दिन मना नहीं होती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ में पर आप जल समर्पित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर थोड़े सी जो काले तिल होते हैं, काले तिल ले जाएं, और मूंग, खड़े मूंग, 7 दाने खड़े मूंग के ले जाएं, और भोलेनाथ पर अपनी मन की कामना करते हुए, यदि कोई भी समस्या हो, घर में कोई व्यक्ति, परिवार का मेंबर असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, वह भी आपको, उसमें भी आपको फायदा होगा। यदि कोई घर में कलह क्लेश ज़्यादा हो रही है, दाम्पत्य जीवन में कोई मन मुटाव की स्थिति ऐसी आ गई है, तलाक की नौबत तक आ गई हो, इतनी बड़ी परेशानी भी यदि आपके समक्ष है, तो आप ये समर्पित करके और भगवान भोलेनाथ से अपने मन की बात कहें, आप देखना अति शीघ्र आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ तुरंत सुनने वाले हैं आपकी जो भी आपकी मन की कामना होती है। और शिवरात्रि के दिन बिलपत्री में आप जल अवश्य चढ़ाएं, और यदि कर सकते हैं तो दीपक भी अवश्य लगाएं। शाम के समय आप दीपक लगाएं बिलपत्री के वृक्ष के नीचे, क्योंकि ये दिन भोलेनाथ के होते हैं, और बिलपत्री का वृक्ष भी, भोलेनाथ कहते हैं साक्षात वहाँ विद्वान होते हैं, शिव पार्वती और माँ लक्ष्मी का वास शाम के समय बिलपत्री के वृक्ष के नीचे होता है। जब आप दीपक लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद लुटाती हैं। कर कर देखें, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन में यदि कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं, शिव महापुराण के अचूक उपाय हैं, और इन्हें कोई भी नहीं काट सकता। जिस व्यक्ति ने ये कर लिया, उसके समझ लो कि लाइफ ही बदल जाती है, जीवन ही बदल जाता है। कर कर देखें विश्वास के साथ, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।